तो कैसे आप सभी लोग आप देख रहे हैं इस रेडिल को मैं हूं तेवरत अग्रवाल आपके साथ फिर से एक बार और टूल्स के बारे में जानकारी लाते हुए दोस्तों आज जो हम आपको टूल्स बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं ईएमएमसी से रिलेटेड अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है कोई भी टेक्नीसन्स अगर मैं कहूँ ये वीडियो देख रहा है और अगर वो ई का काम करता है या करना चाहता है तो ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है कि कुछ एक नए टूल्स के बारे में आपको पता चल जाए हो सकता है कि आपको अगर नहीं पता टूल्स के बारे में तो वो जानकारी आपको पता चल जाए क्योंकि हमको या आप एक नई शॉप खोलना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से टूल्स आपको लेने चाहिए कौन से टूल्स नहीं लेने चाहिए हालाँकि नहीं लेने वाली कैटेगरी मैं जो बता दूँगा आपको हालाँकि इसमें मैंने आपको सिर्फ वही टूल्स बताएं जो लेने चाहिए उनसे कुछ रिलेटेड बता दूंगा कि क्या नहीं आपको रिकमेंड जो मैं हो सकता है मैं तब से मैं तो लेकर सब कुछ मैंने से डाले हैं निकालने से, तो ये सारी चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको तो वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा वीडियो को वॉच कीजिए और सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल uh, आइकन इसलिए दबाइए क्योंकि अगर हमने टूल्स रिलेटेड वीडियो तीसरा डाला या और भी किसी चीज़ के रिलेटेड डाला तो आपको आ जाए उसकी नोटिफिकेशंस और आप उसको आगे देख लें दोस्तों होता है यह है कि कई बार मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसके बारे में फुल वीडियो बना दो उसके बारे में फुल वीडियो बना दो और जबकि हमने ऑलरेडी बहुत से वीडियो बनाकर हम ऑलरेडी जन ने मुझसे पूछा सर डी एल एल एर क्या होता बारे में बना है बना दीजिए सो डीएल के बारे में डीएल एरर के बारे में हमने वीडियो बनाया है और ऑलरेडी डाला हुआ है आप मैं आपको एक छोटी सी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ फिर मैं आपको टूल ले जाऊंगा इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच स्क्रीन साइड में शेयर हो रही होगी तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ये हमारा फेसबुक का इसके बारे में मैं चलिए आगे, आगे आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरह से अगर आपको जो हमारे स्टूडेंट नहीं है फिर भी आपको एसिया टेलीकॉम से अपडेट लेने हैं हमारे सारे टीचरों से अपडेट लेने हैं तो किस तरह से आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ऊपर टाइप करना और मैं नीचे लिंक दे दूँगा अपने चैनल के हालाँकि उसी चैनल में आप देख रहे हैं सो यहाँ पर आपने वीडियो लिस्ट में जाना है मतलब आपको चैनल ओपन करना है और ये वीडियो को टिक करना है और वीडियो को टिक करेंगे तो आपको वीडियो लिस्ट मिल जाएगी और आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे कितने सारे वीडियो डले हुए हैं कितने सारे वीडियो यहाँ पे डले हुए हैं और यहाँ पर हम बात करें तो वीडियो यहाँ पर कम से कम पचास पाँच से ज़्यादा यहाँ पर वीडियो हमने यहाँ पर डाल के रखे हुए हैं पाँच से ज़्यादा हमने यहाँ पर वीडियो डाल के रखे हुए हैं अगर हम वीडियो की यहाँ पर बात करें तो तो दोस्तों ये चैनल काफ़ी हमारा पुराना है और काफ़ी हमने इस पर वीडियो डाले हुए हैं हमारे डेढ़ लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं काफ़ी अच्छे यहाँ पर हमारे साथ जो जेन्यून व्यू हैं हमें वही मिलते हैं जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो चैनल को देखते हैं आप देखेंगे यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ हमने डाली है हमने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में तो बताया है। ये साथ में अपने स्टूडेंट के काम के बारे में बताया तो इसको ज़रूर चेक कीजिएगा और जैसे यहाँ पर देखिए हमने ओपो का एफ़ या जो भी है हमने डाला ये हमारे ई से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे सो ई से रिलेटेड हमने बहुत सारे यहाँ पर अपने वीडियो डाले हुए हैं कि किस तरह से हमारा बच्चा यहाँ पर आके पढ़ा और किस तरह से वो यहाँ से सेटिसफा है सारी चीज़ें तो ये जरूर देखिएगा वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएंगे चलिए मैं बात करता हूँ टूल्स के बारे में क्योंकि वीडियो है टूल्स के बारे में क्योंकि सडनली uh, मुझे इसके बाद uh, इस वीडियो के बाद मुझे अपना ऑनलाइन क्लासेस देनी है हमने नया चालू किया है हम uh, हम अपने स्टूडेंट को जो बैकअप सपोर्ट है उसको वीडियो कॉलिंग के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं हम उनको नए नए डायग्राम्स में उसको अपडेट कर रहे हैं और जो भी उनके सवाल हैं उनके जवाब हम उनको ऑनलाइन वीडियो के थ्रू दे रहे हैं ये फैसिलिटी सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए है जो हमसे कोर्स करके गए हुए हैं तो सबसे पहले टूल में जो हो सकता है कुछ टूल रिपीटेड हो क्योंकि टूल तो सारे सेम ही हैं पर यहाँ पर मैं सिर्फ एक प्रू वर्जन के टूल की बात करूँगा तो ये है माइक्रो सोल्डिंग स्टेशन जैसे कि मैंने बताया आप सोल्डिंग स्टेशन आपको लेना ही पड़ेगा ईवीएमसी अगर आप करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर हम कम टेम्परेचर पे भी काम करते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर में भी काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और इसके साथ में ये जो है ये इसका स्टैंड होता है ये आप अलग से भी लीजिएगा और इसके साथ ये जो इसके साथ जो आपको स्पंज आ रहा है वो भी आप ज़रूर लीजिएगा इसका क्या काम है मैं आगे बताऊँगा बेसिकली ये आपके टिप्स के को कार्बन होता है उसको क्लीन करता है तो ये आप लीजिएगा अब देखिए दोस्तों इसमें मैंने जो फ़ोटोज़ डाली हैं वो सिस्टमेटिक नहीं जमी है कोई सी फ़ोटो कभी भी आ सकती है इसलिए मैं सारे फ़ोटो को एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा ये होता है हमारा माइक्रो जम्पर वायर जब आप किसी ई को निकालते हो और ई को निकालने के बाद अगर आप देखते हो कि भाई वो लोगों पर री स्टार्ट या वो डैड फोन है रीजन ये हो सकता है किसी रैम का जो पैड है वो निकल गया हो या ई एम से जो कनेक्शन है वो निकल गया हो तो पैड ही पूरे जब निकल जाते हैं तो उसको नया पैड बनाने के लिए हमको माइक्रो जम्पर की ज़रूरत होती है ये माइक्रो जम्पर जनरली जो इसका एमएम होता है वो पॉइंट जीरो वन एम एम का थिकनेस होता है इसका और ये काफ़ी पतला होता है और ये कंटीन्यूटी मोड पे होता है मतलब इसको आप नॉर्मल जंपर में यूज़ नहीं कर सकते ये इसके अंदर कंटीन्यूटी इसके अंदर कंटीन्यूटी रहती है बट तो हालांकि इसको भी ऊपर इसका इंसुलेशन पर हटा के हम इसको लगाते हैं उस साइड तो ये आप ले सकते हैं दोस्तों ये अगला जो है ये है आपका डी सोल्डर वायर इसको डी सोल्डर वायर कुछ लोग इसको गुड विक या कई लोग इसको गुड वेट पता नहीं और बहुत सारे लोग इसको क्या क्या नाम देते हैं सो so, बेसिकली ये डी सोल्डर वायर है और डी सोल्डर वायर की खासियत क्या होती है कि ये आपके जो जब आप आईसी निकालते हो तो आपने देखा होगा आई का जो शोल्डर होता है जो उसका रांगा होता है वो आई के नीचे लगा रहता है तो उसको क्लीन करने के लिए काम आता है अब आप इसमें एक चीज नोटिस करना है कि इसमें जो ये जो सस्ता वाला अगर आप परचेस करेंगे इसको तो इसके जो रेसो होते हैं इसके जो धागे होते हैं वो जनरली बहुत जल्दी निकल जाते हैं अगर आप में से किसी ने इसको लिया होगा ऐसा सस्ता वाला और बाकी में उसके निकले होंगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये हुआ है आप इसको अच्छा परचेस करेंगे अच्छी क्वालिटी का परचेस करेंगे तो ही आपके लिए ये बेस्ट होगा सो तो कम से कम सौ रुपये से ऊपर ये परचेस कीजिए और बहुत सारी कंपनी में आजकल हर कंपनी बना रही है ये दोस्तों ये है आपकी डीसी एम्पियर पांच एम्पियर का आपको एमएमसी में जरूरत पड़ेगी पड़ेगी तो डी सी एम्पियर है जब आप यू लगाते हैं और जब आपने प्रोग्रामिंग कर ली है उसको लगाने के बाद अगर बैटरी आपकी मान लो डिस्चार्ज है तो आप उसे इस डी सी एमपियर से उसको चालू कर सकते हैं और डी सी एम्पियर सिर्फ खाली इसके लिए नहीं है कि आपके फ़ोन को चालू करें या आपके फ़ोन को बताती है कि कितना ये आपका एम्पियर ले रही है क्या ये अब नॉर्मल बूट कर रहा है नॉर्मल बूट कर रहा है शॉटिंग हाफ शॉटिंग सो सब तरह की चीज़ों को ये एक्सप्लेन करती है और इवन शॉटिंग में भी बहुत ज़्यादा ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो ये आप ले सकते हैं दोस्तों ये है आपके जो ब्लेड्स होते हैं नंबर वन जो ब्लेड्स होते हैं जनरली जब हम माइक्रो जंपरिंग करते हैं माइक्रो जंपरिंग करने के टाइम पे जब वो माइक्रो जंपर को काटने के लिए जो ब्लेड आते हैं सो उस टाइम पे ये 11 नंबर का ब्लेड हम यूज करते हैं 11 नंबर का ब्लेड तो ये आपको 11 नंबर का ब्लेड आपको लेना है और ये जो इक्कीस और बाईस नंबर का जो ब्लेड आपको दिख रहा है ये जनरली आप यूज कीजिए जब आई की आपको जब आपके पास ड्रिलिंग नहीं है ड्रिल मशीन नहीं है और जब आई के ऊपर का परत हटानी है जैसे एरर नाइन सो एरर नाइन के टाइम पे भाई जितना तक ड्रिल हो गया उतना लिया। उसके बाद में फिर आपको इसी से करना पड़ता है धीरे-धीरे हाथों से तो 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 उसकी एक-एक लेयर हटानी पड़ती है है तो उसके लिए सब सबसे बेस्ट नंबर का तो ये आप कर सकते हैं इसको बोलते हैं ग्यारह नंबर ब्लेड तो, और इसको बोलते हैं 11 ब्लेड तो ये इसके साथ टूल्स भी आता है मैं भी वो भी आपको दिखाने वाला हूं तो वीडियो में बने है। दोस्तों ये है 183 का पेस्ट। ये होता है और ये नॉर्मली हमारे जितने एंड्रॉयड के फ़ोन होते हैं उनका जो टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस होता है तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग ये टूल्स ये जो आता है पी, -पी आता है सो तो ये ज़रूर परचेस कीजिएगा इसके साथ एक लो टेम्परेचर का वन का जरूर परचेस करिए वो वो ज़रूर मैं आगे इसको बाद आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छा होता है कई बार क्या होता है कि जब हम हार्ड पेस्टेड ग्लू आईसी को साफ क्लीन करते हैं तो उसका जो पेस्ट है वो काफ़ी हार्ड होता है तो अगर उस उसमें आप वो लो टेम्परेचर का उस क्योंकि पेस्ट में ऑलरेडी सोल्डरिंग भी मिली होती है मतलब रहाँगा भी मिला होता है सोल्डरिंग के भी आपको वहाँ पर देखते हैं और तो जैसे ही आप उसको लो टेम्परेचर के साथ मिला के थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के साथ मिलकर वो पेस्ट को नरम कर देता है जिससे वो बहुत आसानी से ही नॉर्मली आर से भी वो पेस्ट निकल जाता है तो ये आप ले सकते हैं ये है आपका बूम स्टैंड कैमरा इसको बूम स्टैंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं दोस्तों बूम स्टैंड का मतलब ये होता है कि ये जो आपका माइक्रोस्कोप है एक एक कहीं कॉर्नर पे आके लग जाएगा उसके सामने आपकी टेबल के सामने है, जो नीचे है उसका इस तरह का ये जो आपको दिख रहा होगा बेस वो बेस नहीं होगा मतलब नीचे बिल्कुल आपको प्लेन होगा आप नीचे अपने टूल्स रख सकते हैं और आपका कैमरा आपके ऊपर होगा आप अपने कैमरे को इधर और साइड और इस साइड आप दोनों साइड उसको मूव कर सकते हैं तो ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल नहीं ले क्योंकि ये दोस्तों किसी भी काम का नहीं है जनरली इंडिया के अंदर जो टेक्नीशियन अपनी टेबल बनाते हैं वो टेबल की लेंथ बहुत कम रखता है जैसे आप मेरी पीछे टेबल देख रहे होंगे तो मेरी लेंथ इतनी है यहाँ तक और जनरली जो यू में है और जो बाहर के कंट्री में होता है उनकी टेबलों की लेंथ बहुत बड़ी होती है अगर आप बड़ी लेंथ की टेबल रख रहे हैं तो आप ये ले सकते हो ये फ़ायदेमंद हो सकता है पर क्योंकि टेबल ही इतनी कम लेंथ की होती है और जो उसकी चौड़ाई होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो काफ़ी कम होती है और लंबाई तो कह रहा हैं आप कितना भी रख लो पर जो चौड़ाई होती है वो कम होती है सो इस रीजन से अगर आप ये उसको सेटअप करेंगे तो आधा तो टेबल यही घेर लेगी और फिर ये कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितना आप इसको रखने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि उतनी खास नहीं है पर हाँ आपके पास अच्छा बजट है आप इसको लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो चौबीस पच्चीस हजार से ये शुरू हो जाती है विदाउट कैमरा उसके बाद पैंतीस हजार चालीस हजार में ये विद कैमरा भी ऑप्शन मिल जाते हैं और कैमरे में भी काफी ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर क्योंकि उसमें पिक्चर्स के क्वालिटी कौ, होती है बीस मेगा पिक्चर्स का चौबीस मेगा पिक्चर्स का या कौन सी पिक्चर्स का लेना चाह रहे हो या आप वीजीए चला रहे हो या एच चला रहे हो दोस्तों ये है बीजे किट पहले आती थी अब आती है नहीं आती ये पता नहीं क्योंकि मार्केट में हालांकि अभी भी आती होगी जो नए यूजर्स है जिन्होंने पहली बार बॉलिंग सीख रहे वो जनरली ऐसे किट ले आते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है इसके अंदर आपको इसी किट का जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोचू का है तो इसी के अंदर ये कोचू कंपनी का जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोचू का नहीं है पर जो हमने एक बार लिया था वो कोचू कंपनी का था तो उसी का आपको फ्लैक्स मिल जाएगा उसी का डी शोल्डर वायर और ये जो होता है ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है दोस्तों ये मैं आगे भी बताने वाला था इसको स्प्रेडर बोलते हैं बेसिकली और ये क्या काम करता है ये आपके पीपीडी जब आप पीपीडी लगाते हो तो जनरली लोग हाथों से लगा देते हैं स्टेंसिल के ऊपर तो हाथों पर मत लगाओ हाथों को क्यों इतना केमिकली पीपीडी यूज़ कर रहे हो फिर खाने में भी वही जाएगा कितना हाथ धोगे आप तो बेसिकली आपको ये यूज़ करना है पीपीडी फैलाने के लिए काफ़ी अच्छा है ये और ये इस तरह का एक बेस एक कॉम्पोनेंट एक बेस कंपार्टमेंट तो इस तरह से ये बेट प्लेट आ, तो दोस्तों ये ब्लैक की बेस प्लेट आती है जिसके अंदर आईसी के खाचे बने होते हैं जो जनरली किसी काम की नहीं होती जनरली ये आईसी के खाचे इसलिए आते हैं ताकि उस पे आप सी के उसके ग्लू साफ कर सको ये होता है हीट रेजिस्टेंट मैट ये भी काफी अच्छी चीज है आप इसको परचेस कर सकते हो और ये इसमें माइक्रोस्कोप लगने की जगह नहीं है इसमें माइक्रोस्कोप वाला भी आता है थोड़ा महंगा आता है आपने देखा होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था यह है पीपीडी और जैसे कि बताया वन एटी डिग्री सेल्सियस पीपीडी नॉर्मल ये आपका यह आपको लेना पड़ेगा ही यह बहुत ज़रूरी है यह आपका यूनिवर्सल स्टैंड आजकल ये सभी चीज़ को सपोर्ट करता है इसमें आईफोन की पीसीबी लगा लो किसी भी पीसीबी को लगा लो काफ़ी इसमें जो इसकी चौड़ाई होती है और जो इसकी लंबाई होती है काफ़ी ज़्यादा है और इसकी जो बॉडी होती है वो हीट सिंक बॉडी होती है बस तो जनरली वो टेम्परेचर जो आपकी हीट होती है जो अदर हीट जब जहाँ जा रही है जैसे सपोज पूरी की पूरी हीट पी में जा रही है तो ये हीट को भी सोख लेता है तो जनरली पी में भी जो जनरली दोस्तों तो क्या होता है जब आप हीट देते हो पीसीबी के ऊपर तो पूरी जो हीट होती है वो पी PC, पी के नीचे आ जाती है तो जनरली नीचे के कंपोनेंट और आईसीओ पर इफेक्ट पड़ने लगता है पर ये हीट को सोख लेता है हीट सिंकिंग की वजह से और आपकी पीसीबी को डैमेज होने नहीं देता है और इसके साथ ये जो खाचे हैं ये आप इसमें अपने आईसीओ को रखकर ग्लू साफ करने के लिए बनाए गए हैं अब ये टूल्स ये बहुत अच्छी है इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है मैं आपको बता दूं तो ये ट्वजर है आईसी को पकड़ने के लिए इसको बैंड ट्वजर बोलते हैं सेम चीज़ पीपीडी फैलाने के लिए स्प्रेडर यूज़ किया जा रहा है ग्यारह नंबर का ये आपका ब्लेड है फिर यही आईसी को आईसी को रिमूव करने के लिए इसमें यहाँ पर आपको स्क्रैपर मिल रहा है और ये आपका बैंड ट्वजर है ये नॉर्मल आपका स्ट्रेट ट्विजर है ये ये वाला ट्विजर सनसाइन का काफ़ी अच्छा है ये वाला बिल्कुल परचेस कीजिएगा जेडेस मलि से आप इसको खरीद सकते हैं ऐसे टेलीकॉम को सब्सक्राइब करके आपको कुछ दस परसेंट डिस्काउंट सारे ट्विजर पर मिल जाएंगे और ये है ग्लू काटने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और उसके बगल में सेम चीज़ स्प्रेडर यहाँ पर दिया हुआ है इसी को निकालने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये है रोजिंग इसको आप रोजिंग बोल लो इसको आप वाइड स्मोक बोल लो ये हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉटिंग निकालने के लिए काफ़ी काम में आता है और साथ में ये काम में आता है कई लोग इसको आई के नीचे लगाते समय भी इसको यूज़ करते हैं जनरली लोगों को लगता है कि इससे आई हेल्थी नहीं है पर मैं आपको बताऊं अगर आपको आई लगाने का ट्रिक आता है या आप अच्छे से सीखोगे तो आपको ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप किसी भी पेस्ट में आई सी को बैठा सकते हो तो ये वही है आईसी सी को आ, ये जो टूल्स होते हैं पीपीडी फैलाने के लिए और मोबाइल फ़ोन खोलने के लिए मोबाइल ओपनर आप इनको बोल सकते हैं बाकी इनका पीपीडी फैलाने का भी काम कर सकते हैं ये कटर होते हैं और बेसिकली इसमें अलग अलग डिजाइन के कटर आते हैं नोको को कटर और बहुत सारी कटर इसमें आते हैं तो उससे आप केन वेन काटने का काम कर सकते हो काफ़ी अच्छे कटर हैं ये ये आपकी स्टेंसिल है इसको ब्लैक स्टेंसिल बोलते हैं और ये काइंडली की स्टेंसिल है सो so बेसिकली ये काइंडली की जो स्टेंसिल है ये टू डी स्टेंसिल है ये काफ़ी अच्छे स्टेंसिल है अच्छी क्वालिटी मानी नहीं आती है कि आप बिल्कुल परचेस करें लॉन्ग टर्म चलेगा इसमें ऑलमोस्ट सारे बीजे हैं बी टू टू ये आपका इसमें ऑलमोस्ट सारे बीजे हैं बीजे टू फाइव फोर भी इसमें दिया हुआ है और क्योंकि इससे पहले जो वी जी आते थे जैसे कि वन एट सिक्स तो वैसे वी जी है उसमें ऑलरेडी सो so, इसमें ऑलमोस्ट जो रनिंग बीजे हैं तो दोस्तों इसमें जो ऑलमोस्ट रनिंग बीजी हैं वो सारे बीजी हैं जैसे वी जे टू फाइव फोर या वी जे टू टू वन जो बात करें वी जे वन फाइव थ्री तो ये सारे वी जे वन सिक्स नाइन तो सब कुछ इसमें इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है काफ़ी अच्छी टू डिस्ट है बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी है मैं ख़ुद इसको यूज़ कर चुका हूँ और करता हूँ और ये थोड़ी आपको महंगी पड़ेगी पर बहुत अच्छी है मैं बताऊँ वन टाइम यूज़ है ये ऑल टाइम और ये आपके कुछ माइक्रोस्कोप हैं जैसे यहाँ पर मैं बात करूँगा ये सनसाइन हो गया मिडास हो गया या फिर मैकेनिक हो गया इसके ऊपर भी बहुत सारे माइक्रोस्कोप आते हैं तो माइक्रोस्कोप आप ये ले सकते हैं ये आपको मिल जाएंगे ग्यारह हज़ार दस हज़ार से ऊपर से रेंज के फिर ये अपने अपनी कैटेगरी के हैं क्या लेंसों की क्वालिटी है सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी इसमें जो कैमरा आप कैमरा ऑप्शन लेना चाहते हैं विदाउट कैमरा ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ये जरूर लेना पड़ेगा आपको क्योंकि अगर आपको ई करना है ये एक हमने Uh, ये हमारे एक स्टूडेंट का एक फ़ोटो है जिन्होंने uh, टूल जो क्लास में बैठकर कर टूल्स की एक लिस्ट बनाई थी कि जैसे कि स्टेंसिल बैंड ट्विजर स्टेट ट्विजर मल्टीमीटर और मैट एस एम डी मशीन सोल्डिंग रन पी पी टी डी सोल्डर वायर नॉर्मल पे थिनर बोटल डी सी मशीन तो जनरली क्या होता है जो फ्रेशर आता है उसके लिए हर चीज़ को नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो हर चीज़ दिमाग में स्टोर तो की नहीं जा सकती सो so, यहाँ पर ये यह जो है ये आपका यू एस बी सेक्सपोर्ट आपका चार्जर है और एक तरह से चार्ज करने के लिए है बट यहाँ पर ये डिस्प्ले में आपको बताता है कि कितना एमपेर ये खा रहा है तो ये बहुत आसान है और इसका पूरा एक वीडियो मैंने बनाया है आप इसको वीडियो लिस्ट में जाइए देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा का कैसे काम करता है मैं सच बताऊं अगर आपके पास में आपको पता नहीं आपकी चार्जिंग ऐसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है तो ये बिल्कुल हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपको बता देगी कि आपकी चार्जिंग ऐसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है तो ये है एस मशीन सबसे बेस्ट एस है ये क्विक एट फाइव सेवन डी डब्लू प्लस और सबसे अच्छी मशीन है तो ये परचेस करो जीरो पे हीट रखकर आप अच्छे अच्छे कनेक्टर इससे सारे कनेक्टर निकाल लो तो वो सारे वर्क कर लो तो आईफोन वाले भी यही प्रेफर करते हैं इसको ये भी एक अच्छा टूल है दोस्तों ये स्क्रैपर बोलते हैं इसको तो ये इसमें आई को निकालने के लिए काम करते हैं बेसिकली जो हम आईफ़ोन के भी जो सी होते हैं उसके जो रैम की लेयर होती है या फिर हम बात करें जो सी उसको भी निकालने के लिए हम इन नहीं स्क्रबर का यूज़ करते हैं ये स्क्रैपर से थोड़े और अच्छी क्वालिटी में काइंडली के स्क्रैपर आ जाते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो इसको थोड़ा तो 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 सा आप और सैंड पेपर में अगर घिस के थोड़ा तो सा तो और स्मूथ कर लोगे तो क्या होता है इनकी शार्पनेस होती है अगर आप आई के अंदर डर्ड स्क्रबर डालोगे तो वो आपके ट्रैकों को निकाल देगी तो अगर आप उसको थोड़ा सैंड पेपर से उसको क्लीन कर लोगे रगड़ लोगे थोड़ा सा तो वो स्मूथ हो जाएंगे और वो आपके आपके ट्रैक ओपन नहीं करेंगे ये होता है डी शोल्डर होल्डर इसको बोलते हैं डी शोल्डर होल्डर एक तरह से क्या होता है कि डी शोल्डर बाहर कई लोग पकड़ कर फिर उसको जब आईसी को क्लीन करते हैं तो उनका वो गर्म हो जाता है फिर उनका हाथ आ, हाथ में फैट पाता है गर्मी आती है बेसिकली कई लोग टुजर से पकड़ लेते हैं इसलिए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें ये ख़राब भी नहीं होता और ईज़िली निकल जाता है जितना चाहिए उतना मिल जाता है ये भी स्क्रैपर हैं काफ़ी अच्छे स्क्रैपर हैं ये भी ये आपका है ड्रिलिंग मशीन ड्रिलिंग मशीन क्यों ज़रूरत होती है अब ड्रिल मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जैसे ओप्पो के जो इस तरह से केसिंग आ रहे हैं जिनको जिसमें कहीं भी साइड में कोई भी आ ऐसा नहीं है जहाँ टुजर फँसा लिया और उसको निकाल लिया या फिर कटर से निकाल लिया तो उसका थोड़ा सा साइड को ड्रिल किया जाता है और ड्रिल करके कटर से उसके साइड का एक हिस्सा को काट कर फिर उसको कटर से निकाला जाता है क्योंकि जनरली अभी के जो फ़ोनों को अगर हम हीट दे कर निकालेंगे तो वो उसका सी के अंदर के बॉल्च पेस्टेड होने के बाद भी काम ख़त्म हो जाता है और इस तरह से फ़ोन डैड हो जाता है और ड्रिल मशीन बहुत आ, और भी दूसरी जगह पे आप जैसे रीसेट की लाइन होती है जो डाटा रिसेट जो आपकी आ, जो आ, जो आपकी डिस्प्ले की रीसेट की लाइन होती है जिस पर 1.8 वोल्टेज और रीसेट की जो फ्रीकवेंसी आती है सीपीयू से डायरेक्ट डिस्प्ले के, के कनेक्शन पे ये भी आपको उसके भी टेस्टिंग पॉइंट हर सीपीयू के ऊपर आपको एक टेस्टिंग पॉइंट मिलता है पर उसकी कुछ लेयर्स को हटाने पर जैसे कि आपने एर नाइन पर देखते हैं वैसा ही आपको सी में ये मिल जाता है और आप वहाँ पर इसको हटा अच्छे से हटा आप इस ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकते हैं पर ड्रिल मशीन तभी यूज़ कीजिए जब आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो दोस्तों ये एक टूल है ए ई टूल है जिससे हम आई एस पी प्रिट करके अपने कुछ ओप्पो के हैंडसेट हैं उनको हम उनका जो पैटर्न लॉक है वो रिमूव कर सकते हैं ये ए ई टूल भी आप परचेस कर सकते हो ये मैंने गूगल से फ़ोटो निकाली हुई है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको वो जंपर करने होते हैं जैसे क्लाउड डाटा सी एम डी जो आपका जो नॉर्मली आप जैसे क्लाउड डाटा सी एम डी और वी सी सी वी सी सी क्यू तो जो नॉर्मली आप आई एस पी प्रिंट के लिए यूज़ करते हो और इसका सेटअप आता है और सेटअप में आप इसको डायरेक्ट वन शॉट पे पेज दोस्तों इसका सेटअप आता है इसके सेटअप में आप इसको वन शॉट पे इसका जो भी पैटर्न है आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो तो इसके बारे में थोड़ा तो पढ़ लीजिएगा उसके बाद कीजिएगा कि आप भी अच्छे से प्रॉपर कहीं जाके ट्रेनिंग ले, ले लेना तो ये ब्लेड होते हैं इतने इतने प्रकार के ब्लेड होते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है ग्यारह नंबर का ब्लेड और देखिए उस ब्लेड को पकड़ने के लिए इस तरह से टूल्स आते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनकी जो जो आपको टूल्स अच्छा लग रहे हैं उनकी स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ये आपको कोई ऐसा कोई वीडियो में आपको ऐसा देखने को शायद साह, शायद ही मिले सो यहाँ पर ये हम जो यूज़ कर रहे हैं बाईस नंबर काफ़ी अच्छा टूल है आई के ऊपर उसको स्क्रैचिंग करने का और पंद्रह नंबर काफ़ी अच्छा है पर बहुत ज़्यादा शार्प है वो तो यहाँ पर आप इन इनको ये वाले जो आपके ब्लेड होते हैं आप इनको यहाँ पर इसको लगा सकते हो तो ये है यू एफ आई यू एफ आई तो आप सभी लोग जानते होंगे ये एम सी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो भैया पहले यू एफ आई सीखो फिर यू एम सी करो तो ये डी शोल्डर वायर ये हो गया ई जी जेटा एक ई एम सी प्रोग्रामर और ये हो गया आपकी ई एम सी स्टेंसल्स ये हो गया आपके ग्लू आपके ग्लू हटाने का आपका ये एक लिक्विड है इसको यूज़ मत करो ये आपके हाथों को भी इफ़ेक्ट करेगा और ये एक तरह का एसिड है ये मान के चलो और आपके ट्रैकों को डैमेज करेगा ये होता है कैंडली का काफ़ी अच्छा है ग्लू कटिंग आपके आपका स्क्रैपर है काफ़ी अच्छा है और ये बहुत अच्छा है और ये सात सौ का कुछ हो होगा तो मेरे हिसाब से ये ज़रूर परचेस करो अगर आप काम करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो ये हीट रजिस्टेंट टेप आप आगे पीछे लगा सकते हैं इसमें आपके एल्युमिनियम टेप भी आता है ये हीट रजिस्टेंट टेप है और इसके बाद एल्यूमिनियम टेप भी आता है वो भी काफ़ी अच्छा टेप है तो दोस्तों ये हीट डेंट टेप इसके अलावा भी कुछ अलग टेप आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे टेप हैं ये आपके आपने देखा होगा कि किस तरह से बाकी सारी आई सी हाइड हैं तो उनको अतिरिक्त कोई भी हीट नहीं पड़ रही है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर प्रोटेक्शन बना हुआ है यहाँ पर हम देखेंगे ये आई सी है एम सी अब आपको ई एम एम सी परचेज करना है तो आप ई एम सी भी परचेस कर सकते हो नीचे जेड एक्स मलिक का नंबर दिया जा रहा है और ये जो पेस्ट है ये है वन थर्टी एट डिग्री सेल्सियस का पेस्ट ये बिल्कुल परचेस करो इसका बहुत अहम काम है अब आप लोग मेरे से पूछेंगे तो उसके लिए तो आपको इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा सही तरीके से प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हमको वहीं देते हैं ये ड्रिलिंग मशीन है सस्ते में आ जाती है छः सौ सात सौ आठ सौ हज़ार रुपये में भी आपको छोटे छोटी ड्रिल मसीन मिल जाती है ये वही स्क्रैपर हो गया ये सो ये सस्ते टूल होते हैं आईसी वाले तो दोस्तों ये बिल्कुल परचेस मत करो जैसे मैंने बताया कि शुरू में कि कुछ टूल मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से परचेस कौन से नहीं करने चाहिए तो ये परचेस नहीं करने चाहिए रीजन क्या है कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और टूट जाते हैं आप इनका ऊपर का प्लास्टिक का जो सिरा देख रहे हो ना ये फिर बाद में ये लगते ही नहीं है उसमें तो ये सारे जितने भी जो स्क्रैपर ऊपर दिए हुए हैं सब बेकार हो जाते हैं इनके और बहुत ज़्यादा शार्ट होते हैं आपके पीसीबी को तो पूरा अंदर तक घुसा देंगे उसको ये आपका सोल्डिंग सोल्डर यह आपका पी होल्डर है ये बिल्कुल हैवी परचेस करना है नहीं तो यूनिवर्सल परचेस कर लो तो ये आपके जो एस के नोजल्स हैं तो नोज़ल्स क्यों जैसे अगर मान लो आपको यहाँ पर कोई छोटा सा कॉम्पनट ही निकालना है या फिर आपको छोटी आईसी निकालनी है या बड़ी या सीपीयू निकालना है तो आप इस तरह से नोज़ल यूज़ कर सकते हो अब आप एक छोटी आईसी में बड़ा इन्सर यूज़ करोगे तो फिर तो कंपोनेंट उसके आसपास कहलेंगे ही और अतिरिक्त जगह हवा जा, एयर जाएगी जिससे वो लूज़ भी हो सकते हैं और आपका पी भी डैमेज हो सकता है फिर ये सस्ते प्राइस में एन की है वैसे ये एम की भी आती है क्विक की भी आती है अलग अलग है इसके लिए नीचे आपको प्राइस दे दिए गए हैं तो आप इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छी मशीन है ये भी कम प्राइस में एक अच्छा दाम है ये ये भी अच्छा एक सोल्डिंग पेस्ट है तो मैंने इसलिए फोलो डाल दिया ताकि यह एडवांस क्वालिटी फ़्लक्स को बोल सकते हो इसमें जो हानिकारक धुआं होता है वो जनरली नहीं आता है पर भी ये काफ़ी अच्छा फ्लक्स है और आ, मतलब बहुत अच्छा है आईसी को बिठाने के टाइम पे ये बहुत आ, मतलब हेल्प करता है इस तरह से बहुत ज़्यादा उसको हिलाता नहीं है ये आपकी नोज़ल की बेटे होती हैं कि ये नाइफ बिट हो गई स्ट्रेट हो गया ये इस तरह से तो ये बेटे होती हैं तो ये बेटे काफ़ी काम में आती हैं काम करते करते समझ में आता है ये वही आपका स्प्रेडर जो पीपीडी को फैलाने के लिए होता है ये टाका फिक्सी होता है अब टाका फिक्सी क्या काम करता है अब जैसे मान लो कहीं पे आपको टाका लगाना है टाका मतलब जंपर पर है अब मान लो वहाँ पे शोल्डर चुपक ही नहीं रहा है चुपक ही नहीं रहा है मतलब बड़ी जैसे रिंगर विंगर या कहीं सिम कनेक्टर लगा रहे हो या कहीं पर एम कनेक्टर एम मतलब एस एच कार्ड कनेक्टर तो वहाँ के कोई पिन विन उखड़ गई है तो वहाँ पर अगर नहीं चुपक रहा है तो आपने थोड़ा सा बूंदिए डाला और उसके बाद में लगाया तो एक ईजिली एक सेकेंड में आपका काम हो जाएगा ये स्पंज होता है काफ़ी अच्छी चीज़ है जैसे अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मेरा बिट में कालापन कैसे रिमूव करे तो भैया इससे रिमूव करो इसमें थोड़ा पानी डालते रहो उससे रिमूव करो तो दोस्तों ये कम्प्लीटली आपको मैं टूल्स का कुछ बताया और आप आई होप कि आपको पसंद आए ये एम को लेकर है कुछ आईफोन को लेकर भी टूल्स का बनाऊंगा वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊँगा अगर आई होप कि अपने वीडियो को हमारे दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा और आइकन जरूर दबाया होगा अगर वीडियो वाकई में पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि अच्छा लगा और ये भी कमेंट करना कि क्यों अच्छा नहीं लगा हालांकि सबको ही अच्छा लगेगा इसके साथ छोटे से अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ में आप बहुत तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमको भी अपडेट चाहिए तो जितना अपडेट हमको मिल सकता है हम उतना अपडेट आपको देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे तो आप हमारे इसे टेलीकॉम में आप हमारे Uh, जो फेसबुक है आप हमारे फेसबुक से जोड़ सकते हैं और फेसबुक uh, में हमारा जो हमने अपने पेज नीचे शेयर किया हुआ है ये हमारा मेरा जो देवेदन अग्रवाल ऑफिशियल पेज है आप इसमें जाके इसको जोड़ सकते हैं देखिए इसको खुल रहा है तो जैसे ही ये देखिए सो तो आप यहाँ जा, यहाँ जाके जोड़ सकते हैं यहाँ पर हम अपनी हर चीज़ का अपडेट जो हम अपने स्टूडेंट को देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट का अपडेट डालते हैं जैसे कि आप देखा यहाँ पर हम किस तरीके से ओप्पो किस तरीके से जूम ऐप से हम लोगों को अपडेट कर रहे हैं तो आप यहाँ जाइए और इसको इस पेज को लाइक कीजिए और इस पेज को फर्स्ट सी में डालिए ताकि आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाए और उसके साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है उसकी लिंक भी मैंने नीचे दे दी है तो वहाँ जाइए और तो वहाँ जाइए और, तो और उसको सपोर्ट uh, कीजिए और uh, वहाँ जाके ऐड होइए जितना आप ऐड होंगे आप, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा और उतना ही आप सीख पाएंगे तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और ये वीडियो डालने का कारण यही होता है कि जितना हो सकता है ऐसे टेलीकॉम आपको मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड के मैं हमेशा आपको सतर्क रहे कि आपको अपडेट करता रहे और आप लोग घर बैठकर भी कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करते रहे ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया आपका इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच